बदलिया जमाना हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना बदलिया जमाना हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंतर ने अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंतर ने खोलिया खजाना हाँ हाँ खोलिया खजाना बदला जमाना हाँ हाँ बदला जमाना रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते नमस्ते जी नमस्ते जी आओ बैठो शुक्रिया दसो किस तरह आना होया कोई खास गल नहीं है वो चंदे दे चेक देना सी हेलो आज ही बैंक भी जमा करा देना सुनिया तड़क कुछ मजूरा नाल झगड़ा हो गया इस एरिए होने वाली सारिया गलों का तुम्हें पता चल ही जाता है पर दो टके दे मुंडिया ने मैनू बड़ा ही नीवा कर दिता है तुसी भी तो उन्हां दा ठिया उजाड़ दिता सी उन्हां ते मेरी इज्जत मिट्टी च ही मिला दी है मैनू माफी मंगनी पई ते नाले भरना पिया जुर्माना हुण ते सब कुछ ठीक ठाक है ना उंज ते ठीक है पर मैं जदों भी उन्हां मुंडिया नू वेखना ना मैनू अग लग जांदी है तुसी उन्हां नू कोई सबक सिखा दिओ जे उन्हां दा कसूर होंदा तो मैं जरूर तुहाडी साइड लैंदी हुण ते गल आई गई हो गई है फिर कदी इस तरह होया तो दसना मैं उन्हां नू जरूर समझा दवांगी चंगा मैनू इजाजत दियो मैं चलना देवी जी हुण ते दादी दी तबीयत चंगी हो गई है ना मैं अपने पिंड जानना चाहना है उत्थे मेरी माँ कदों दी उड़ीक रही होएगी मनी आर्डर ते उन्हूं हर महीने मिल जाता होना है ना पुत्र चिट्ठी तो यही लगता सी तुसी तो पढ़ के सुनाई सी पर तू भी तो पढ़न जाता होंदा सी जाता तो सी पर विच्चे छुट्टियां हो गई सी फिर की होया फिर तो शुरू कर देना सी पढ़ना तो जरूर चाहिए पुत्र रही तेरे पिंड जान दी ते माँ नूं मिलन दी गल एक दो हफ्तियां तक टिकट कटा देंगी दादी कोलो भी पूछ लेंदे ते चंगा रहंदा पुत्तर उन्हां दा मूड ठीक नहीं मना कर देंगे लियाओ मैं काट दा रामकली जांदी वारी दाल ते रोटियां ले जाई मैं मेज ते रख दित्तियां ने बीबी जी कल तो मेरी जगह ते मेरी माँ होगी कम करन लई ओ क्यों किते तेरी मंगनी जा ब्याह दा चक्कर ता नहीं नहीं बीबी जी ए तुसी की कह रहे हो अजे मेरी उम्र ही की है ते होर की गल है सवेरे मैं स्कूल जाया करांगी पढ़न लई हुण तू स्कूल पढ़न जाया करेंगी ओ सरला दीदी है ना ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਵੇਖਾਂਗੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ
ते उन्हूं तो गुस्सा ही चढ़ गया, बोली ए किदा हो सकता है, मेरे सुने बिना ही मैनू डांटन लग पई, छोटे लोगों का तो दिमाग ही चढ़ गया है, पता नहीं अपने आप नूं की समझन लग पए ने, जदों वेखो कोई ना कोई पुआला पिया ही रहिंदा है, कदी छुट्टी चाहीदी है, कदी कहिंदे ने साडे पैसे वधा दो, कदी कम करन दी तौंस, समझदे ने जिवें आई हैगे ने कल्ले काम करन वाले। लल्लू जाना होवे ते तेरे मुंह विच जुबान नहीं सी, तू सुनदा ही रिहा, असीं काम करन दे पैसे लैंदे आ, कोई खिरात नहीं लैंदे, ओ नहीं सुनाई सी तू चार सुनाणियां सी। ओ की सिखा रही पुत्तर नूं, एदी मां है दुश्मन? ना कोई बेइज्जती करे ते चुप रहना भी ठीक नहीं होंदा। हां ठीक है उन्हें कुछ नहीं कहना, स्कूल च ना लिखाने का टाइम आएगा मैं आपे गल कर लांगा। की गल है अज तुसी आपस च ही गल्लां करनियां ने, बस सानू शर्म आंदी है जो जुबान चलांदी है ते ता ला शर्म नहीं आंदी। दीदी जी गल ए कि ए सारियां परले बाजार गईयां सी, उत्थे इन्हां ने एड बीमारी दा पोस्टर देख लिया है, बस ओहदे बारे च जानना चाहुंदियां ने। ये तो बहुत चंगी गल है कि तुसी एड्स दी बीमारी दे बारे जानना चाहुंदे हो। एड्स दी बीमारी कोई छुआछूत दी बीमारी नहीं है, पर है बड़ी खतरनाक बीमारी। ये बीमारी हो जाती है जदों की कोई औरत एक तो वाधू आदमियों नाल संबंध रखे या फिर एक रोगी नू लगे हुए टीके दी सुई दे नाल, या फिर जदों कोई एड्स का रोगी होवे उहदा खून किसी होर नू चढ़ा दिता जाए तां वी एड्स हो सकती है, जेकर किसी माँ नू होवे ते फिर उहदे बच्चे नू वी एड्स हो सकती है। हाय रब्बा ये तो बड़ी बदनामी दी गल है। जेकर वजन घटन लगे या फिर कोई बड़ा ही बीमार हो जावे ठीक ही ना हो रहा होए तो एच आई वी नाम का एक टेस्ट हुंदा है, वो जरूर करा लेना चाहिए। और ये बारे होर जानकारी देने वास्ते मैं एड्स के बारे में कुछ किताबा तो लिया के देवगी, वो तुम पढ़ लो तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। दीदी जी ए सारिया जानकारियां तो मर्दा भी देनिया जरूरी ने, किताबा तो वह भी पढ़न गए ना, पढ़न के किन्ने ही फायदे ने, सू कि कुछ पता चल गया, जब तक अनपढ़ सी तो कुछ पता ही नहीं सी। जब तो मेरी मेम साहब नु पता चलिया है मैं पढ़न दी सोच ली है, गुस्से विच ही रहंदी है। साडी बीबी जी दा भी इहो हाल है ते मेरी वाली भी चिड़ी हुई है। लगदा वड्डे लोग चाहुंदे नहीं असीं पढ़िए, कहंदी सी तुसीं पढ़िया लिखिया तो चंगे हो ते अजकल ते ओह बेकार घूमदे ने, ते तुहानू ते काम मिलिया है, पढ़ लिख जाओगे ते छोटा काम करन विच तुहानू शर्म आएगी, ते जिहड़े चार पैसे मिलदे ने ना उहनां तों वी हाथ धो बैठोगे। साडे पढ़न दा उहनां लोकां नूं नुकसान है, सानू बच्चा समझ कर अद्धी मजदूरी दिंदे ने। जे वड्डियां कोलों इन्ना काम लेण ना ते डबल पैसे देने पैण, इन्हां लोकां नूं वी साडे ते तरस नहीं आउंदा। असीं नौकरी चाहे करने हाँ पर असीं अपने मालक खुद हाँ, जे ओह अपना फायदा वेखदे नहीं ते साडा वी तां हक है फायदा सोचण दा। किते असीं गलत तां नहीं सोच रहे ते उहनां विच तां पाउणा नहीं, किते असीं वी ना उस तरह बन जाईए। बनना तां नहीं चाहीदा पर की करिए, ए लोग जोका दी तरह साडा अज तों नहीं बल्कि पीढ़ियां तक खून चूसदे चले आ रहे हैं, साडे दादे परदादे लगातार गरीबी की कश्ती विच चूसदे चले आ रहे हैं। क्यों सोचो, सारे सोचो किते एदा कारण साडी निरखरता ते नहीं, जे ओ लोग भी पढ़े लिखे होंदे ते की सानू अज दा दिन वेखना पैंदा। ए ते चंगी गल है कि मेहरू ते गंगू ने अपना घर वसा लिया, पर ए होया किद्दा? मैनू ते लगदा जी विचोली रसर लई सीगी। ओयो साक्षरता मुहिम वाली? आहो जी। लगता है वो जनानी बड़ी चंगी है जेड़ी गरीबां दी जिंदगी सवारन विच लगी हुई है। आहो जी सारे पढ़ाई लिखाई लग गए ने, ओ बस्ती दा ते नक्शा ही बदल गया। ये तो चंगी गल है पर किधरे वो साडे वास्ते कंडे ते नहीं बीज रही? इहो जी कोई रिपोर्ट ते नहीं सुनी जी। फिर ते सानू उस नूं शाबाशी देनी चाहीदी है, किसी दिन उस नाल मुलाकात करनी पएगी। ऐ ते है जी। तैनू तो पता है कि सिद्धियां नाल मालकिन सिद्धी है ते पुठियां नाल पुठी। ओ ते है जी। Thank you.
बापू पैरी बन है। ए छोटू पुत्र तू मेरा छोटू मेरा मित्र रब्बा किसी की नजर ना लगे मेरे पुत्र नु बैठ अजकल पिंड कुड़िया स्कूल जान लग गए जमाना बदल गया है। ऐ देखो बापू मैं तुम्हारे लिए की लेके आया है। साबुन खुशबू वाला मां है तुम्हारे लिए। घड़ी मेरे लिए? हां जी। ऐ बापू ऐ कुर्ता पजामा तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ओ मां ऐ सूट तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हां जी। सूट ले आया? हां जी। पर ऐ दा दस तू ओते करना की है? काम करदा है कोठी विच हर तरह दा। ऐ लो मां पैसे। अच्छा मेरे पुत्र ने तो मेरी गरीबी काट दीती। रब करे तेरे वर्गा पुत्र सबदा होवे। तू ते एकदम बदल गया है छोटू पहचानिया ही नहीं जांदा। हुन ते तेरा रंग भी निकल आया है ते सेहत भी बन गई है। सेहता तेरी भी उसी तरह है। ओए मखोल नाउला यार मेरे घर दी हालत ते बहुत ही बिगड़ गई है। अब्बा दी नजर कमजोर हो गई है। हुन ते ओना कोलो कोई कम ठीक होंदा ही नहीं चाहे ऐनक पांदे ने। शरद दा हाल भी कोई खास नहीं राजू। ओ ता मेनू चंगे लोग मिल गए ने। तेनू पता है मैं बत्तर मान जान दे काम विच भी शर्म नहीं करदा। तू ठहरिया ठहरा मसला पुत्र कर लेगा। मजबूरी सब करवा देंदी है पर ज्यादा दिन तक नहीं। मेरे लिए कोई काम देखेगा? पर जेड़ा काम मिलू वो करना पाएगा। कर लवांगा पूरे 12 साल दा हो गया वहाँ। फिर ठीक है जिवे काम मिलेगा मैं तेनू चिट्ठी पावांगा। तू फौरन चलाई। मेरे भेजे पैसे नाल इत्थे बहुत कुछ बदल जाएगा। माँ दा इलाज हो जाएगा भैन दा व्याह हो जाएगा ते टुटे हुए घर दी मरम्मत भी हो जाएगी। ओ यार तू इन्निया लंबिया ना सोचा कर जो होवेगा चंगा ही होवेगा। चल चलिए। होर तुहाडियां क्लासां किस तरह चल रही हैं? चंगे ही चल रही हैं ने। बस्ती वालियां विच बड़ी लगन पैदा हो गई है। कुछ ते पढ़ ही जाएंगे। तुहाडी मेहनत ते कोई कसर नहीं मैनू पता लगता रहिंदा है। तुसी पढ़ाई दे नाल नाल उन्हां दे होर भी कई कम सुधार रहे हो। जे असी इस तरह अलग थलग रहिए तो फिर इन्हां विच विश्वास पैदा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। साक्षरता मुहिम वाले जे तुहाडी तरह सोचन ते करन लग पैण ते साडे देश विच कोई भी अनपढ़ ना रहे। तुसी ते एवें मेरी तारीफ कर रहे हो। नहीं तुसी डिजर्व करदे हो। कदी कदी आ जाया करो जे किसी मुश्किल विच आजमाओगे तो पिछे नहीं हटांगी। क्यों नहीं बस्ती वाले तुहाडे एहसानां दा जिक्र करदे ही रहिंदे ने। लगता है तू जान दी तैयारी कर रही है। हाँ शाम दी गड्डी है। जे अब्बा जान दी तबीयत खराब ना हुंदी ते मैं तेनू छड्डन जरूर चलदा। कोई गल नहीं यार जदो भी तू आंदा है टाइम बहुत जल्दी गुजर जांदा है। ऐ ता है ही दिल ता मेरा भी नहीं करदा लेकिन जाना जरूरी है। देख मेरे वास्ते कम जरूर लब्भी ते जांदिया ही चिट्ठी लिखी। हाँ लिखांगा लेकिन तू आन विच देर ना लाई मैनू तेरी चिट्ठी दी उड़ीक रहेगी। 18, 19 ते 20 बच्चों ए तुहाडी स्पेशल क्लास है जिहड़ी कि 1 महीना चलेगी। इहदे विच तुसी स्कूल विच दाखले लई होण वाले टेस्ट लई तैयारी करनी है। इस लई बड़ी मेहनत और ध्यान नाल पढ़ना है तुसी। ठीक है ना? ए जिहड़ी मैं 20 तक गिनती आज सिखाई है ये तुहानूं कल याद होनी चाहिए। क्यों ठीक है? जी जी जी। ऐ प्रोजेक्ट हले 5 साल चलेगा। भाई 10 साल भी चलने ते की फर्क पैंदा है। मैंने तो उन्हें रहने की आदत पै गई है। यार एक गल है और शराब का ठेका भी बड़ी दूर है इतों यार। हाँ ते वो भी बंद होने वाला है। वामी कानू गपा मारी जान दे हो सरकार नू आमदनी बड़ी होंदी है। की मतलब?
सरकार ने सिगर दियां डब्बियां ते शराब दियां बोतलां ते भाई होर भी बहुत सारी चीजां ते लिखा होया है सेहत वास्ते हानिकारक है। वैसे होंदियां भी सेहत वास्ते हानिकारक ही है पर फिर भी बिकी जांदी है। वो सरकार इन्हां नूं बंद क्यों नहीं कर दिंदी? सरकार नूं टैक्स बहुत आंदा है ते आमदनी बड़ी होंदी है। वेख्या पढ़न दा फायदा शीशियां ते लिखिया हुण पंत लग गया है ना। यारे रज्जू मैं इत्थे गल कीती है पर किसे घर विच नहीं मजदूर बस्ती विच जिथे तू अपने सिलाई दे हुनर नाल कुछ कमा सकना है। मेरी बीबी जी तैनू किश्ता ते मशीन लै देगी। इत्थे एहो जिहा कपड़िया दा रिवाज है जिवें लंबे पजामे तिरछे गले दे कुर्ते ऐसे कम ते आके अपना कब्जा कर ले ते जदों भी चाहे ऐसे पते ते आ जा। तेरा यार छोटू। छोटू मेरे यार मैं आवांगा मैं जरूर आवांगा। बस थोड़े दिनों की गल है किराया इकट्ठा कर लवा तो किन्नी छेती मेरे लिए काम का इंतजाम कर दिता है। मैं तेनों निराश नहीं करूँगा बहुत वधिया कपड़े सिलूंगा। मेरे प्यारे दोस्त छोटू तेरी चिट्ठी मिली तू किन्ना चंगा लिखना है। तेरे साहब लोग बड़े चंगे ने खुदा उन्होंने उन्होंने चंगाई का सबाब जरूर देगा। मैं तीन हफ्तिया तक तेरे कोल पहुँचागा। इन्हों दिनों विच मैं कढ़ाई ते सिलाई विच अपना हाथ होर भी साफ कर लवांगा। अब्बा जान मैनू पूरी तरह ट्रेंड कर रहे ने तेरी बड़ी याद आती है। कल तेरे घर गया सी उत्थे सब पले चंगे ने वड्डी चंगे नंबरां नाल पास होई है। तेनू वेखण ते मिलण दी चाह विच तेरा बेली राजू। राजू वेख लै तू मैनू दस्या नहीं कि तेरे कोल आन लई पैसियां दी कमी है। मैं भी किन्ना पागल है जड़ी तेरी समस्या है मैं समझ नहीं सकिया। हुण मैं तेनू टिकट भेजांगा शामी बीबी जी नाल गल करांगा। मेरे पिंड मैं तेनू छड़ के जा रही हूँ पैसा कमान लई तेनू भुलांगा नहीं। मैं वापस आवांगा तेरे कोल। तेरे सिंघाड़े वाले तला सुख गए ने कपड़ा बुनन वालिया खड़िया बंद हो गईया देसी कम बंद हो गए। 12 साल दा होके 40 साल दे आदमिया वाकम थकदा रहंदा। घर दी हालत वेखी नहीं जांदी भैन पढ़न चली जांदी है घर कौन वेखे। माँ कमजोर है दादी नू मोतिया उतराया है दादे नू गठिया ने जकड़ लिया। पूरे परिवार दा पार मेरे अब्बू उत्ते आ पिया है। मैं उना दे बुढ़ापे दी लाठी हाँ। मेरे पिंड तेरे कोलो ते कुछ भी नहीं छुपाया। मैनू इना सारिया लई जाना पै रहा है मैनू बेवफा ना समझी। मैं कोई चोरी नहीं की पर बीबी जी ने मेरे ते बार बार झूठा इल्जाम लगाया कि तू साहब दे 100 रुपए कड्डे ने। मैं तलाशी भी दी कुछ नहीं मिलिया पर मैं नहीं सोचा सी ए लोकी दिल दे ऐने सख्त होंदे ने तंग करन दे बहाने ढूंढदे ने। मैं तां इन्हां दा कम ही छड्ड देंगी। जदों तो पढ़े लगे हैं उन्हां लोकां दा बिल्कुल व्यवहार ही बदल गया है गल गल ते खांडू पैंदे ने। देखो बीवी जी गुस्सा करन दी कोई गल नहीं है। असी बच्चियां दे थां ते काम करन नू तैयार। साडे बच्चे हुण पढ़न लगे ने ते तुसी खाम खा उहनां दे उत्ते चोरी दा इल्जाम ला रहे हो। इक तां चोरी उत्तों दी सी ना चोरी। मैं क्या ओह चोरी करके गया ताही ते काम ते नहीं आंदा। नाले कान खोल के सुन लो जे ओह कल तों काम ते नहीं आया ना ते असी पुलिस ते रिपोर्ट कर देवांगे फिर पुलिस ही उहनूं निपटेगी। बीबी जी इह ते तुहाडी जाती है इह ते पाप है जी पाप। आहो गल ठीक नहीं है तुहाडी। हुण मुंडा ते काम ते आन तुरिया जो करना कर लो। यही गल थाने च कहना नाले ठहर जाओ मैं तुहाडे सामने थाने च फोन करदी हां
फिर वो तुहाडे कमल नूं तुहाडी बस्ती च जाके हथकड़ियां ला के ते लियांगे। बस बस इन्ना गुस्सा ना करो, असी नादान है कि भूल हो गई, माफी दे दियो, मैं कल ही कमल नूं काम ते भेज देंगी। वो गल खत्म हुई, हुण असी चलदे आ, घर चल के मर्दां नाल गल करांगे, हले ठंडा रहना ही ठीक है। चंगा, मर्दां नाल गल करन दी लोड़ नहीं, गल वध जाएगी। चुप रहो, दो तीन दिन लंघ जान, आराम नाल मुंडे नूं भेज देने, फिर बीमारी का बहाना बना के बना ला। आ ठीक है, ठीक रहे। चंगा बीबी जी, कमल कल तो काम ते आ जाएगा। असि कल ही कमल भेज दें काम ते। याद रखना है, आखिरी मौका है। बस एक बार माफ कर दो। नमस्ते जी। हुणे तुसी वेख्या कि किस तरह मन्नू कह तो कबूतर ते कह तो कड़ाई तक पहुंचया। संतो अपने सुभाव दे मुताबक मैरू नू गल्लां भी सुनाया आई ते उस तो खंड भी ले आई। रामू पिंड जाण दी तैयारी करदा है। रामकली ने अपनी मालकिन नू दस्या कि हुण तो उस दी माँ कम ते आया करेगी। यह सुनदियां ही उस दी मालकिन दे मत्थे ते वट पै जांदे ने। मैरू, श्यामा ते तारो बहुत झिझकदियां होया सरला दीदी तो एड्स की जानकारी लेंदियां ने। इस तरह उन्होंने पढ़न दे फायदे पता चलते ने। मजदूरां दे बच्चियां विच होण वालियां गल्लां दिल नूं हिला देंदियां ने। कमल ते रामकली कह रहे सी कि वड्डे लोकी उन्हां दे पढ़न लिखन दे रस्ते विच रोड़े क्यों अटका रहे ने। साफ गल सी कि फिर उन्हां दा शोषण किस तरह करनगे, उन्हां नूं अद्धी मजदूरी किस तरह देंगे। उस इलाके की राजनीतिक हस्ती मालकन भी सरला दीदी तो बहुत प्रभावित सी। छोटू शहर तो पिंड वापस आता है। उसके माँ प्यो उसनु वेख के बहुत खुश होंदे ने। उसका बेली रिजवान भी बहुत खुश होंदा है। दोवें दिलों का हाल चाल वंडदे ने। रिजवान बेकारी करके शहर जान की गल करता है तो छोटू कहता है कि वह शहर जाके उन्हें खत लिखेगा। मालकन ते सरला दीदी विच दोस्ताना मुलाकातां होंदियां रहियां ते इस तरह दोवें एक दूजे के बहुत करीब आ गई। सच कहा मालकन ने कि जे साक्षरता मिशन नाल जुड़े सारे लोग सरला दीदी वांग हो जान ते फिर साढ़े देश विच कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। ते सच कहा सरला दीदी ने भी कि जे राजनीति दे सारे लोग मालकन वांग हो जान ते फिर साढ़ा देश दुनिया विच सब तो अगे होएगा। सरला दीदी ने स्कूल दे दाखले लई बच्चों नूं तैयार करन वास्ते क्लासां लैनियां शुरू कर दित्तियां। मजदूरां दी बैठक विच पियकड़ा ने यह तर्क दिता कि क्योंकि सरकार नूं बहुती आमदन हुंदी है इस करके शराबबंदी लागू नहीं हुंदी। रिजवान ने पिंड छड्डन तो पहला पिंड नाल दिल दियां गल्लां कीतियां। उधर कमल नूं कम ते आन लई मजबूर करन लई मिसिस त्रिपाठी ने उस ते चोरी दा झूठा इल्जाम ला दिता। पुलिस की धमकी अगे कम वालिया ने अपने हथियार सुट दिते। हुण अगे की होएगा कि सरला दीदी बस्ती वालिया नूं कोठी वालिया अगे चुकन देगी, ये असी वेखांगे अगली कड़ी विच। अज असी मिलते हाँ बिहार की चिंतामणि नूं। मेरा नाम चिंतामणि है, मैं बिहार का रहने वाली हूँ। हमारा छपरा जिला घर है, बच्चे चार हैं। हमारे घर वाले सब्जी के कारोबार करते हैं। मैं 85 से 95 से साक्षरता में जुड़ी और जब से साक्षरता अभियान में पढ़ी, जब से मैं अपना थोड़ा हिसाब वसाब कर लेती, बाजार से सब्जी सुब्जी ले आती। पहले मेरे बस के नहीं था ये बाजार जाऊं। जब से साक्षरता में जुड़ी, जब से अपना थोड़ा बाहर भी निकल जाती, बाजार भी कर ले आती हूँ, राशन वसन भी उठा ले आती, या कहीं जाना हो तो बस गाड़ी के भी नंबर देखकर जा आ सकती हूँ।
अब कहीं जाने में परेशानी नहीं होते, पहले बहुत दिक्कत हो, हॉस्पिटल जाती तो किसी को साथ लेकर जाती, जे मेरे को पता नहीं है जे कौन सी बस पकड़ के जाऊँ, और मैं खुद अपने आप बस का नंबर देख कर चली जाती हूँ, दवा ववा लेकर आती, बच्चे बच्चे को पढ़ने उड़ने में कुछ हाथ बटाती हूँ। Again.